हेलो एंड वेलकम दोस्तों डिफाइनमेंट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला, क्योंकि भाई आज जो है इस वीडियो में फाइनली हम LR0 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। बिकॉज दोस्तों इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए जितना भी प्रीरिक्विजिट काम था, नॉलेज था, वो हम पहले ही कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अब खाली हमें इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है, इसमें से इंफॉर्मेशन रिट्राइव करनी है और फिर उसे सिंपली फिल इन करना है इस टेबल में। सो यू हैव टू रेफर दिस स्ट्रक्चर। अब भाई ये स्ट्रक्चर क्या है? इट इज लुकिंग लाइक अ DFA, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है ऑन सम रिस्पेक्टिव सिंबल्स। अब ये सिंबल्स जो है आपके टर्मिनल भी हो सकते हैं या नॉन टर्मिनल भी हो सकते हैं ऑफ आवर कंसिडर्ड ग्रामर। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब कुछ कुछ लोग होंगे जो एकदम फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आ गए होंगे, इससे पिछले वाले वीडियोज उन्होंने रेफर नहीं किए होंगे जिनमें मैंने इस पूरे स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल, स्टेप बाय स्टेप, बड़े आसान लफ्जों में। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो की लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जरूर उस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि भाई ये एक बेसिक पॉइंट है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है, बराबर, ये एक प्री रिक्विजिट नॉलेज है, क्योंकि इसे आपको बार बार रेफर करना पड़ेगा टू कंस्ट्रक्ट दिस टेबल। अगर बाय चांस आपने इसी स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, कंस्ट्रक्ट करने में गलती कर दी, तो ऑब्वियसली आपका जो रिजल्टेंट है यानी कि आपका पार्सिंग टेबल, वो भी गलत जनरेट होगा। तो इसीलिए ये प्राइम इंपॉर्टेंस का है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि कैसे मैंने इसे कंस्ट्रक्ट किया है। नाउ वी विल मूव फर्दर, ठीक है, बाय फिलिंग दिस। नाउ पहले तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं, बराबर। तो स्ट्रक्चर क्या है? 0, 1, 2, 3 है क्या भाई? रोज क्या सिग्निफाई करते हैं? दे सिंपली सिग्निफाई स्टेट्स इन योर स्ट्रक्चर। अब सी, ये जो आपको ये सर्कल्स दिख रहे हैं, आप इन्हें एक तो स्टेट्स कह सकते हो, सेट्स कह सकते हो, यू कैन से एनीथिंग, ओके। सेट स्टेट क्यों कह रहा हूं भैया? क्योंकि एक लाइक इट इज काइंड ऑफ अ DFA स्ट्रक्चर, ओके, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है। सेट भी आप कह सकते हो क्योंकि इट इज अ कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम, ऐसे भी कह सकते हो आप, बराबर। और आगे यहाँ पे दो कॉलम दिख रहे हैं, दो मेजर कॉलम, उसके अंदर सब कॉलम्स भी है। दो मेजर कॉलम्स जो है वो है एक्शन एंड गो टू। एक्शन के अंदर आपके टर्मिनल्स होंगे जो कि आपके ग्रामर जो कंसिडर किया है उसके होंगे, और गो टू में आपके नॉन टर्मिनल्स होंगे। डॉलर का सिग्निफिकेंस आगे जो वीडियोज आएंगे उसमें मैं बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिकॉज कुछ इंस्टेंसेज हैं जहाँ पे डॉलर का सिग्निफिकेंस आएगा और तब मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। हाल फिलहाल के लिए एक्शंस के कॉलम में आप डॉलर को लिखते हो अलॉन्ग विद द टर्मिनल्स ऑफ द कंसिडर्ड ग्रामर, इतना आप समझ लो, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द दिस, लेट्स स्टार्ट विद जीरोथ स्टेट और सेट, दैट इज आई नॉट। आई नॉट से शुरू करते हैं, लेट इट बी सिंपल, ठीक है, आई नॉट से शुरू करते हैं। अभी आपको सिर्फ देखना क्या है, इस आई नॉट से जो भी आउटगोइंग एजेस है या फिर आउटगोइंग ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजिशंस है, जो भी कह लो, उन पे आपको फोकस करना है, दैट्स इट। और उस इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करके, रेफर करके आपको यहाँ पे उसे इस रिस्पेक्टिव जीरोथ रो में फिल करना है, दैट्स इट, दैट्स व्हाट योर वर्क इज। अब क्या ऑब्जर्व करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है वो ज़रा समझते हैं। तो भैया ये आई नॉट है, आई नॉट से आई वन पे जा रहा हूँ ऑन ई, जीरो से टू पे जा रहा हूँ ऑन टी, जीरो से थ्री पे जा रहा हूँ ऑन ए, जीरो से फोर पे जा रहा हूँ ऑन बी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे सिंपली हमें वहाँ फिल इन करना है। कैसे करना है? तो भाई सबसे पहले तो आपको ट्रांजिशन पे एक सिंबल दिख रहा है जो कि टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल हो सकता है। तो ये आपका क्या है? नॉन टर्मिनल ई दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे जीरो से वन पे जा रहे हो ऑन ई, तो आप सिंपली क्या कर दोगे, यहाँ वन लिख दोगे। जीरो से वन पे आप जा रहे हो ऑन सीइंग अ सिंबल ई, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, किस तरीके से मैं फिल कर रहा हूँ। जीरो से टू पे जा रहे हो ऑन सीइंग टी, तो जीरो से टू पे जा रहे हो ऑन सीइंग टी, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे मैं वन टू क्या लिख रहा हूँ, इट इज सिग्निफाइंग नथिंग बट योर स्टेट्स, बराबर, कि भाई दिस इज आई वन, दिस इज आई टू एंड दिस इज आई नॉट, ओके। तो आई नॉट से आई वन पे जा रहे हैं ऑन सीइंग ई इन दैट वे। उसके बाद आते हैं भैया ए के ऊपर। ना यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, बराबर। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? जीरो से जा रहा हूँ थ्री पे ऑन सीइंग स्मॉल ए। तो जब भी आप इस रिस्पेक्टिव एक्शन कॉलम में कुछ भी लिखते हो, कुछ भी मतलब क्या, दो ही चीजें लिख सकते हो। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भैया शिफ्ट है या फिर रिड्यूस मूव है। तो शिफ्ट ऑपरेशन या रिड्यूस ऑपरेशन, मेजरली ये दो चीजें आप एक्शन कॉलम में लिखते हो। तो जब भी आप इस तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जा रहे हो इन दिस रिस्पेक्टिव वे ऑन अ सीइंग अ टर्मिनल, तो आप यहां पे लिखते हो एस सिंबल लाइक दिस, ओके। और वो कहाँ जा रहा है? थ्री पे जा रहा है, तो यू विल राइट इट एज एस थ्री, दैट इज शिफ्ट टू थ्री, लाइक दैट यू आर गोइंग टू राइट। रिड्यूस भी होता है, वो आगे थोड़ा सा समय जाने दो, उसमें हम देखेंगे और, ठीक है, कि रिड्यूस मूव्स भी कैसे प्लेस करते हैं, लेकिन पहले शिफ्ट को समझ लो। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, जीरो से थ्री पे जा रहा है ऑन ए, तो मैंने क्या किया, जीरो से वो थ्री पे जा रहा है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया बाय अ नोटेशन एस थ्री, यानी कि शिफ्ट टू थ्री, लाइक दैट, ओके। आगे बढ़ते हैं, बी पे भी जा रहा है, तो भाई बी भी आपका एक्शन कॉलम के अंडर ही आता है, तो वहां पे भी एस लगाना पड़ेगा। तो यहां पे बी जो है फोर को जा रहा है, तो आई विल राइट इट एज अंडर एस फोर, लाइक दैट,
ओके तो जीरो हो गया। अब आते हैं भैया टू के ऊपर, लेट स्टार्ट विद टू। अब टू कहाँ है ये दिख रहा है भाई मुझे, टू यहाँ पे, यस इट इज विजिबल। तो अभी इस टू के अंदर अगर आप देखोगे तो कितने ट्रांजिशन है, एक जा रहा है टी पे, एक स्मॉल ए पे एंड स्मॉल बी पे, लाइक दैट। ठीक है, तो टी पे कहाँ जा रहा है, फ्रॉम टू टू फाइव इट इज गोइंग, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, फाइव लिख दूंगा, बात सही है। ए पे कहाँ पे जा रहा है, वो थ्री पे जा रहा है, ऑन ए इट इज गोइंग टू थ्री, तो मैं यहाँ पे एस थ्री लिख दूंगा बराबर, एंड ऑन बी इट इज गोइंग टू फोर, तो मैं यहाँ पे एस फोर लिख दूंगा। हो गया स्टेट टू का काम, हो गया जितने भी थे, तीन थे, एक दो तीन थे, वो तीनों मैंने मेंशन कर दिए, पहले वाले के एक दो तीन चार थे, एक दो तीन चार मेंशन कर दिए बराबर। तो जितने आपके आउटगोइंग ट्रांजिशंस होंगे उतने आपके एंट्रीज होंगे उस रिस्पेक्टिव रो में फॉर दैट स्टेट। ठीक है, अब आते कौन से, थ्री के ऊपर आते, लेट्स कम ऑन द थ्री। ठीक है, तो थ्री कहाँ है, हाँ ये रहा थ्री। अब थ्री के ऊपर कहाँ जा रहा है ट्रांजिशन, एक तो टी पे जा रहा है, ओके एक तो खुद एक लूप में है, सेल्फ लूप दैट इज ए है, और एक फोर पे जा रहा है, करेक्ट। तो फॉर दिस रिस्पेक्टिव टी व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, थ्री से सिक्स पे जा रहा है, तो यहाँ पे मैं सिक्स लिखूंगा, बात सही है, थ्री से सिक्स पे जा रहा है ऑन सीइंग अ सिंबल टी, करेक्ट। उसके बाद भैया ए पे सेल्फ लूप है, तो यहाँ पे मैं एस थ्री पे ही मारूंगा, खुद को ही एस थ्री बराबर शिफ्ट टू थ्री। उसके बाद बी पे वो जा रहा है एस फोर पे, ओके सो लाइक दैट वी हैव कंप्लीटेड द जीरो टू एंड थ्री। अब आते हैं आगे थोड़ा सा,